सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। मैंने कल आपसे चक्रों के बारे में संक्षिप्त में बताया था। ये सारा ज्ञान मूल का है। जो कुछ हम साइंस से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो जैसे पेड़ का बाहरी ज्ञान होता है उस प्रकार है, और ये ज्ञान उस पेड़ के मूल का है। विदेशों में जो कुछ भी खोज बीन हुई है वो सब बाहर बाह्य में हुई, और वो इस प्रकार बढ़ गई कि आज वहां पर यह आशंका हो रही है कि ये पूरा सिविलाइजेशन कहीं खत्म न हो जाए। कारण उन्होंने अपने स्रोत को नहीं ढूंढा, अपने मूल को नहीं ढूंढा। ये मूल हमारे भारतवर्ष में है। इस मूल को अनादि काल से अनेक दृष्टा, अनेक संत, अनेक सद्गुरु और अवतरणों ने वर्णित किया हुआ है, और हरेक धर्म में इसके बारे में चर्चा हुई है कि हमें विनाशी चीजों को छोड़ करके अविनाशी ऐसे अनंत को ढूंढना चाहिए। ये हमारे भारतीयता का मुख्य मूल मंत्र है कि जो कुछ भी संसार में अविनाशी चीजें हैं वो लगती हैं, प्रतीत होती हैं, लेकिन वो है विनाशी, और अविनाशी अभी तक ज्ञात नहीं तो उसकी खोज करनी चाहिए। चक्रों के बारे में मैंने आपको कल बताया, आज मैंने कहा था तीन नाड़ी और आत्मा के बारे में मैं कोशिश करूंगी कि इस लेक्चर में बता दूं। लेकिन ये सब कुछ बतलाने से ही आपकी कुंडलिनी का जागरण होगा, इसकी कोई हामी नहीं। इसलिए मैं जो भी बोल रही हूँ उसको सुनने मात्र का आप कष्ट करें, उससे अपने को न्याय, अपना न्याय या अपने को भला बुरा कहने की बात नहीं। सिर्फ आप सुनिए और उसके बाद देखा जाएगा कि आपकी कुंडलिनी जागृत होती कि नहीं। तो हमेशा मैं देखती हूँ कि जब भी कभी मेरा लेक्चर चाहे हिंदुस्तान में हो या बाहर हो, लोग पता नहीं क्यों किस न्यून भावना से बैठते हैं कि पता नहीं हमारी कुंडलिनी जागृत होगी कि नहीं, हमने तो ये गलती की, हमने तो वो गलती की। इसलिए शुरू से मुझे आज कहना है कि ये भावना को निकाल करके ही आप मेरा भाषण सुने। तो कल मैंने आपको ऊपर के चक्रों के बारे में बताया, और आज मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं तीन नाड़ियों के बारे में बताऊं जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। जब चेतना हमारे अंदर प्रवेश करती है तो त्रिकोणाकार अस्थि, त्रिकोणाकार या कहें कि प्रिज्म के जैसे मनुष्य का मस्तिष्क है, ब्रेन है, उस वक्त उसमें तीन आकार आते हैं। उसमें से एक तो सीधे ही पूरी की पूरी जैसी है वो हमारे अंदर घुस करके और त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती कुंडली, और बाकी की दो शक्तियां, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में दो तरह की इसलिए हम फोटो को मना करते हैं, माफ करिए, क्योंकि हमारे फोटो लोग खींच करके और बहुत महंगे बेचते हैं, तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे फोटो लोग उस पर कुछ बिजनेस करें, क्योंकि इसका कोई बिजनेस तो हो नहीं सकता। इसलिए मैं मना करती हूँ कि कोई मेरा ऐसा फोटो न ले जो लोग इसका व्यवसाय करते हैं फोटो का। तो इसमें से ये जानना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क में जो दो तरह के सेल्स होते हैं उसके कारण
हमारे अंदर घुसने वाली जो चेतना है उसमें रिफ्रैक्शन आ जाता है, और जो इधर से आती है वो इधर आ जाती है, और इधर से आती है वो इधर आ जाती है। माने जो लेफ्ट से आती है वो राइट की तरफ आ जाती है, और जो राइट से आती है वो लेफ्ट की तरफ जाती है, और जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं वहीं पर आपका आज्ञा चक्र बना हुआ है। अब ये जब हमारे शरीर के अंदर घुसती है तो उसका बहुत सा भाग, क्योंकि इस तरह आई हुई, उसका बहुत सा भाग तो अंदर चला जाता है और उससे कहीं अधिक भाग बाहर की तरफ आ जाता है इस चेतना का। और इस वजह से मनुष्य जब किसी चीज को देखता है तो उस पे वो रिएक्ट करता है, उसके ऊपर उसको विचार आते हैं। कोई भी चीज को देखते साथ उसे विचार आएगा और वो विचार उसके अंदर घुसते हैं, और उस विचारों से ही आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे अंदर ईगो और मन ऐसी दो भावनाएं। जब हम संस्कारों से बहुत ज्यादा प्लावित हो जाते हैं या हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार भरे जाते हैं तो हमारे अंदर लेफ्ट साइड का मन, जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं, बनता है। और जब हम बहुत ज्यादा ये विचार करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या करना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह की अहंकार की जो भावना है वो आपके अंदर दूसरी साइड में आ जाती है। किंतु इसकी नाड़ियां बिल्कुल उल्टी दिशा में है। इसीलिए जब मनुष्य को पैरालिसिस होता है तो आपने देखा होगा कि अगर उसके सर में क्लॉट अगर लेफ्ट में आया हो तो उसका पैरालिसिस राइट में होता है। अब ये जो तीन नाड़ियां हैं, पहली नाड़ी, दूसरी और तीसरी, इसमें से जो पहली नाड़ी है उसे अनेक नाम से संबोधित किया जाता है। इसे कोई कोई चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पर सहयोग में हम इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, उसको बहुत से लोग सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और वास्तविक इन दोनों पर चंद्र और सूर्य का ही प्रभाव है। अब जब लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है ये सूक्ष्म रूप से स्थित है, किंतु इसे हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी चालना होती है, और राइट साइड में जो नाड़ी है जिसे कि हम पिंगला कहते हैं, इसे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलती है। लेकिन ये स्वयं नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म तरह से कार्यान्वित रहती है। ये दोनों ही हमारे अंदर कार्यान्वित रहती है। जैसे कि जब हम कोई इच्छा करें तो लेफ्ट की नाड़ी चलती है, और जब हम उसमें कार्य करते हैं उस इच्छा पर तो राइट की चलती है। इस प्रकार हमारे अंदर ये दो नाड़ियां, पर इसके अलावा तीसरी नाड़ी हमारे अंदर है, इसे सुषुम्ना ऐसे कहते हैं। कबीरदास ने कहा, ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे। और जिस तरह से अथॉरिटी के साथ उन्होंने कहा, इतने अधिकार वाणी से सारी बात कही है, वो बहुत पहुंचे हुए पुरुष थे, तो उन्होंने इतने अधिकार वाणी से कहा कि पाचो पचीसो पकड़ बुलाऊं एक डोर उड़ाऊंगा। ये जो सारी बातें हैं कबीर, आप पढ़िए तो समझ में नहीं आएंगी जब तक आप सहयोग नहीं जानेंगे। सहयोग से ही आप जान सकते हैं कि कबीर ने ये सब बातें क्यों कही। औरों की भी बातें, जैसे ज्ञानेश्वर जी पे इन्होंने पूछा था कि आप बात करिए, तो ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में छठे अध्याय में कुंडलिनी का पूर्ण वर्णन किया कि एक जैसे कोई सांप का बच्चा हो, इस तरह से, जैसे कोई सांप नहीं होता, मतलब हर एक शक्ति जो है इसी तरह से सांप के जैसे चलती, तो वो जिस तरह से अपने को लपेट कर बैठ जाती है, ऐसी ये जगदम्बा कुंडलिनी हमारे अंदर बैठी हुई। पर उसके बाद लोगों को इसका ज्ञान नहीं था कि कुंडलिनी क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि ये छठा अध्याय हमारे लिए निषिद्ध है, तो कोई पढ़ता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि क्या चीज है। इसी प्रकार अनेक साधु संतों ने इसके बारे में बताया हुआ कि हमारे अंदर दो नाड़ियां तो ईड़ा और पिंगला है, और बीच की जो है सुषुम्ना नाड़ी है। ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ये हमारे अंदर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाती है। जैसे मैंने कल बताया था आपसे कि जिस वक्त आप दौड़ते हैं तो आप अपने हृदय की गति बढ़ा सकते हैं, अपनी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप बैठ जाते हैं तो हृदय की गति जो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आती है वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से आती है। अब इस पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का जो आवरण है, इस तरह से मैंने कल आपको दिखाया था लेफ्ट और राइट से, तो ये एक दोनों का मिलाप होने से ही
जो बीच में चक्र बनते हैं उसके अंदर पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो चक्र जो है ये ऊर्जा के केंद्र है, शक्ति के केंद्र है, पर हर एक शक्ति के केंद्र का अलग अलग तरीका है, अलग अलग काम है और वो अलग अलग तरीके से कार्यान्वित होते भी हैं। अब ये जो दो शक्तियां हमारे अंदर है, ईड़ा और पिंगला, इनको भी समझने की जरूरत है। ईड़ा नाड़ी से हम इच्छा करते हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं जो पूर्ति नहीं हुई, जिस पर हमने कार्यान्वित नहीं किए, या हमारे अंदर जो संस्कार आते हैं, या हमारा जो कुछ भूतकाल है, या जैसे आज सवेरे का भूतकाल हुआ, ये क्षण है, इससे पहले का भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे जन्म से जो भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे पूर्व जन्म से जितना भूतकाल हो गया, फिर इस संसार में जो कुछ मरा हुआ है, जो भूतकाल में है, वो सारा की सारा इस ईड़ा नाड़ी के उस तरफ में, लेफ्ट साइड में। मनुष्य में सारा ही विश्व समाया हुआ, सारा ही विश्व उसके अंदर समाया हुआ। और जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है, जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक कार्य और मानसिक तो ठीक नहीं, बौद्धिक कार्य करते हैं, वो सब राइट साइड से होते। और ये जो राइट साइड की पिंगला नाड़ी है, ये हमारे अंदर अहंकार जरूर दे देती है। लेफ्ट साइड से हमारे अंदर मन की, यानी एक जिसे सुपर ईगो कहते हैं, वो चीज आ जाती है, और राइट साइड से हमारे अंदर अहंकार की चीज आ जाती है। कोई सी भी एक नाड़ी ज्यादा चलने से मनुष्य में संतुलन टूट जाता है। अगर आपकी लेफ्ट साइड बहुत चलती होगी तो आप बहुत निंदे आदमी होंगे, आप बहुत डरपोक होंगे और आप सबसे डरेंगे। लेकिन अगर आपकी राइट साइड चलती होगी तो आप बहुत ज्यादा दूसरों पे आतताई होंगे, एग्रेसिव होंगे, आप पे अहंकार आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड चलती है तो मनुष्य धीरे धीरे खिसकते खिसकते, जैसे कोई आदमी बहुत रोता है, और बहुत सी औरतों में आदत होती रोने की कि मेरी माँ बड़ी अच्छी थी, बाप अच्छे थे, ये है वो है, रात दिन कोई चीज लेकर रोते रहते हैं, ऐसे लोग सब लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं। जब वो लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सी विकृति आ जाती है, जिसे हम मानसिक विकृति कहते हैं। जैसे बहुत से लोग पागल हो जाते हैं किसी शौक से, एक आध शौक लगा, एकदम से आघात आया, घबरा गए तो लेफ्ट साइड को चले गए। पागलपन, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह के जो रोग है, वो सारे आपके लेफ्ट साइड से। पर उसके अलावा ऐसे भी रोग है कि जो हम असाध्य रोग कहते हैं, वो भी लेफ्ट साइड के ही कारनामों से आते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊं। अब राइट साइड के जो है वो पिंगला नाड़ी, उसके अतिक्रमण से करने से, जैसे मैंने कल ही बताया था आपसे कि स्वादिष्टान चक्र से किस तरह से पर्स हो, किस तरह से अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे लिवर आपको हो जाएगा, अस्थमा, हार्ट अटैक और ब्लड कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार के अनेक रोग हो सकते हैं। इसके अलावा इससे पैरालिसिस भी हो सकता है। लेकिन लेफ्ट साइड से भी आप में रोग हो सकते हैं। जबकि लेफ्ट साइड आपके अंदर चलती है तो आप एक तरह से लिथार्जिक, माने आलसी आपके सब ऑर्गन्स हो जाते हैं। उसके कारण होने वाले रोगों में अनेक से रोग हैं, जैसे एलर्जीज आ जाएं आपके अंदर में, या आपके अंजाइना, कोई सी भी स्लगिशनेस जिसको कहते हैं, उससे ये रोग होते हैं। पर सबसे जो बुरी बात है, तो लेफ्ट साइड में जाने से मनुष्य जो है उसमें कोई कर्तृत्व नहीं रह जाता और वो हमेशा दुनिया से डरते रहता है, भागते रहता है और वो बेकार हो जाता है। अब इसमें जो लेफ्ट साइड में जो चक्र है, उसमें अपने चक्र की लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड। इसमें से महत्वपूर्ण चक्र मैं तो सोचती हूँ कि लेफ्ट स्वादिष्ठान, जहाँ पर कि आपने अगर कोई अनधिकार चेष्टा की हो, यानी आप किसी गलत गुरु के सामने गए और उसके सामने चरण छूने के लिए झुक गए, आजकल उनको कहते हैं ना चरण छू महाराज, वैसे चरण छू महाराज गए आप, उन्हें चरण छू, उनके चरण छू, उसके चरण छू, वो सारे जाकर के आपके लेफ्ट स्थान में बैठे।
चाहते हैं कि आपको वो ट्रांस में डाल देगा, मिसमराइज कर देगा, कोई ऐसी बातें पढ़ा देगा, इससे तो कोई हर्ज नहीं कि आपके पैसे भी लूट ले, लेकिन उसके अलावा वो आपको पगला देगा। थोड़ी देर में आप देखिएगा कि रास्ते पे आप भीख मांगते फिरेगा। ये लेफ्ट स्वादिष्ठान की बीमारी जो है ये बहुत लोगों को होती है, विशेषकर अपने भारतवर्ष में, जहाँ की ये गुरु लोग इस कदर निकल आए हैं कि समझ में नहीं आता कि एक को पकड़ो तो दूसरा निकलता है, दूसरे को पकड़ो तो तीसरा निकलता है। बेअंदाज ये गुरु लोग आ गए हैं। उसकी वजह ये कि हम इतने अज्ञानी हैं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है कि हम जाने। अभी आपने गुरु का वर्णन सुना कि गुरु क्या है, मोक्ष मूलम, जो आपको मोक्ष देता है वही गुरु है। उसके वर्णन के अनुसार कितने लोग गुरु बनेंगे सो बताइए, कितने लोग, और वो चैतन्यमय होना चाहिए। उसकी जितना भी वर्णन है वो जब तक नहीं हो तो क्या जरूरत है कि आप हर एक आदमी के सामने हाथ जोड़े जाए। अगर किसी ने आपको नाम दिया, उसके लिए आपने रुपया पैसा भी दिया, सब व्यवस्थित हो गया, लेकिन जा करके उसकी तकलीफ बैठ गई आपके लेफ्ट स्वादिष्ठान। लेफ्ट स्वादिष्ठान जब आता है तो बच्चे नहीं हो सकते औरतों को, पहली चीज बच्चे नहीं हो सकते। लेफ्ट स्वादिष्ठान में जब कोई ऐसी तकलीफ हो जाए तो बच्चे हो ही नहीं सकते, और ऐसी औरतें हर समय रोती रहेंगी, परेशान रहेंगी, बाधित रहेंगी, कभी कभी बहुत बिगड़ भी जाएंगी, उनको समझ भी नहीं आएगा क्या। अब अपने देश में और एक, पता नहीं महाराष्ट्र में ज्यादा यहाँ कब होगी, कि औरतों के अंदर देवी आती। अब देवी आई तो हूँ करती है, उन नौकरानियों के अंदर देवी आने के लिए देवी के भी कोई अकल होती है, उसको झेलना कोई आसान चीज है देवी की शक्ति को, कि वो नौकरानियों के अंदर आ जाती है। और ये नौकरानियों का जीवन आप देखिए तो वो बताती क्या है कि घोड़े का नंबर, भगवान को घोड़े के नंबर से क्या करना है। पर हमारी आकर इतनी खराब है कि कर कोई आदमी बताए कि भाई तुम्हारा रुपया कहाँ गड़ा पड़ा है, तुम्हारे ये कहाँ है, तो हम लोग उसको सोचते हैं कि वाह 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 कितना बड़ा आदमी, कितना महान आत्मा है, उसने हमें रुपए की बात बताई। जिनको रुपए में, डायमंड्स में, इसमें उसमें इंटरेस्ट है, या उससे आपको चाहते हैं कि आपको इम्प्रेस करें, ऐसे गुरु हो ही नहीं सकते, ये तो कुगुरु है। और गुरु एक होते हैं कि जो कुछ भी नहीं जानते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं, लेकिन ये तो कुगुरु है, दुष्ट गुरु, और कुछ कुछ तो ये राक्षस ही है कि जिस तरह से लोगों को बर्बाद किए जाते हैं। आपको भी अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो परमात्मा की बात करें, जो परमात्मा से मिला है वही सदगुरु हो सकता है। अब ये लेफ्ट स्वादिष्ठान की बात आपसे मैंने बताई, इसी तरह हर एक चक्र पे इसका असर आता है कि लेफ्ट नाभि पर जो है, लेफ्ट नाभि जो है ग्रह लक्ष्मी का स्थान, क्योंकि लक्ष्मी तत्व है, मैंने आपसे कहा था ये ग्रह लक्ष्मी का तत्व है। घर में अगर आपकी ग्रह लक्ष्मी है और आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, खासकर उत्तर हिंदुस्तान में तो पता नहीं औरतों की इज्जत ही नहीं होती, फिर एक से एक जो निकलती है तो ऐसी कि उनको कोई संभाल नहीं सकता, फिर वो हो ही जाती है कमाल। लेकिन जब तक दबती रहेंगी तो इतनी दबती है कि जैसे उनके अंदर कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे दो ही मैंने तरीके देखे, और ये पुरुषों की कृपा है कि वो समझ नहीं पाते कि स्त्री ये कितनी बड़ी चीज है, उसके अंदर शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना इतनी गलत बात है। उससे बच्चे खराब जाते हैं, उससे आपके सारे घर की शांति खराब जाती है, और सबसे तो बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर जब ग्रह लक्ष्मी का तत्व खराब हो जाता है तो कैंसर, इसको ब्लड कैंसर कहते हैं, वो होने की आशंका होती है। क्योंकि स्त्री जो है वो आपका लय 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 बांधती है। घर की स्त्री जो है, मतलब स्त्री भी वैसी होनी चाहिए, यत्र नारायण पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ पे स्त्री को पूजा जाता है वहां पर ही देवता रमण करते हैं, पर स्त्री भी पूजनीय होनी चाहिए। वो भी अगर पूजनीय नहीं हुई तो वो भी किस काम की है। ऐसे पूजनीय स्त्री की बात सुनना और उसको अपने लय पे, जैसे उसकी लय है, जैसे आप खाना खाने बैठे तो पंखा जलती है, उसकी लय, उसका टाइम, इस वक्त आप खाना खाइए, इस वक्त आप बैठिए, इस वक्त आप सोइए। लेकिन आजकल के जमाने में लोग इस कदर अपने काम में मशगूल रहते हैं, उनको लगता है कि हमारा काम जो है उससे ही हम आज राजा बने, ये नहीं जानते ग्रह लक्ष्मी का भी आशीर्वाद इसमें है। और फिर जब वो इस तरह से भागते दौड़ते रहते हैं, सब हेक्टिक लाइफ, उसी में ब्लड कैंसर की बीमारी।
और भी अनेक बीमारियां स्प्लीन की होती है कि समझ लीजिए ऐसी कोई स्त्री हो तो उसके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका स्प्लीन ही काम नहीं करता, उनको हर बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। अनेक तरह की इसके गुपित बातें हैं जो होती रहती हैं, जो आपके समझ में नहीं आती, और डॉक्टरों के तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनको ग्रह लक्ष्मी किस चीज से खाते हैं यही नहीं मान। सो ये केयर स्थान बहुत ही सुंदर है कि जो ग्रह लक्ष्मी का स्थान है और जहाँ ग्रह लक्ष्मी को माना चाहिए। लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी करके उनके आठ रूप माने गए हैं, पर है तो अनेक, पर उसमें से अष्ट लक्ष्मी है। अष्ट लक्ष्मी से जो गृह लक्ष्मी का एक अंग है, राज्य लक्ष्मी है, ऐसी अनेक लक्ष्मी है, लेकिन जो विशेष करके जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज एक घर खानदान फैमिली के लिए होती है वो ग्रह लक्ष्मी। और आज भी मैं यही कहूंगी कि हिंदुस्तान की औरतों की कमाल है, उनकी मर्यादाओं की कमाल है कि उन्होंने हमारे समाज को व्यवस्थित रखा। नहीं तो आप बाहर जा करके देखिए, 10-10 हस्बैंड को डिवोर्स करती हैं और ऐसे ठिकाने से बच्चों को पहुंचा देती कि बच्चे सीधे जा करके कहीं अनाथालय में पड़ जाते। तो ये चीज हमारे यहाँ आप समझने की है कि हमें उस रास्ते पर नहीं जाना, हमें अपने घर हमारी फैमिली इनको ठीक से रखना है और अपने गृह लक्ष्मी को व्यवस्थित रख के और उसका भी मान होना चाहिए। अब ये चीज दिखने में ऐसी लगती कि माता जी क्या कह रहे हैं, पर यही एक बड़ा स्त्री धर्म जो है ये बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्मों में एक पति धर्म पत्नी धर्म बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। सहयोग में जो लोग संन्यास लेते हैं उनको हम पार नहीं कर सकते, सन्यासियों के लिए कोई सहयोग में जगह नहीं। आपको विवाहित होना चाहिए और अगर अविवाहित हो तो ये कहना पड़ता है कि मैं विवाहित हो जाऊंगा। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है कि जो अपने ऊपर काषाय वस्त्र पहन करके दुनिया भर में कहते फिरे कि मैंने सन्यास ले लिया, ये है वो है, और अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। उसके बाद में जो ऊपर का चक्र आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो है हार्ट का चक्र। ये लेफ्ट साइड का चक्र जो है ये आपके जो हार्ट है उसी को संभालता है, हार्ट के ऑर्गन देखता है। अब लेफ्ट हार्ट मनुष्य में कब होता है, जब वो अपने काम में बड़ा मशगूल है, बहुत कार्य करता है, इतना ज्यादा कि बिल्कुल वो सोचता है कि इसके सिवा और कोई नहीं, मैं तो कर्म कर रहा हूं, मैं तो एक से एक बातें कहते हैं अपने बारे में, बैगार जान दीजिए। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं कि पता नहीं कि इनके ये अगर नहीं काम करें तो जैसे आकाश ही पूरा नीचे आ जाए। जैसे माने मैं तो इनको गोवर्धनधारी कहती हूँ कि सारे एक उंगली पे इन्होंने गोवर्धन पकड़ा हुआ। ऐसे लोगों को परमात्मा के लिए टाइम नहीं, मन में विचार भी नहीं आता कि परमात्मा को याद करें। फिर कभी कभी फिर जब बहुत ज्यादा काम होता है तो उसके साथ में कुछ तो भी और चाहिए रिलैक्सेशन, तो फिर शराब पीते हैं, फिर और भी धंधे हैं और भी बहुत सारे काम उसके साथ बराबर चलते रहते हैं। तो उस वक्त वो कहते हैं कि साहब अब हम क्या करें, हम बहुत काम से थक जाते हैं तो हमें धंधे करने पड़ते हैं। परमात्मा के लिए उनको टाइम नहीं, ये सब धंधे करने के लिए उनको टाइम है, पार्टियों में जाने का टाइम है, शराब पीने का टाइम है और हर प्रकार की गंदगी उठाने के लिए उनके पास टाइम है। अब जब इस तरह के मनुष्य हो जाता है तो परमात्मा को भूल ही जाता है और अपने हृदय में आत्मा का रूप, हृदय में आत्मा है, और जब तक हम अपने हृदय को हृदय के आत्मा की ओर नजर भी न करें तो वो गायब हो जाता है और तभी आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो जिस आदमी को अतिकर्मी को हार्ट अटैक आता है उसको सिंपथी की जरूरत है, उसको डांट की जरूरत है, उसको ये कहना चाहिए कि आप काम करना कम करिए और थोड़ा परमात्मा में ध्यान करिए, परमात्मा की ओर मुड़िए। ये कि मुझे अब मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने ये किया वो किया है, आपने जैसा काम करके ये भारतवर्ष बना के रखा है उसके लिए नमस्कार। ये क्या सुंदर भारतवर्ष बनाया हुआ आपने, मैं 18 साल लंदन में रही हूँ, 16 साल में तो इसकी काया ही पालट हो गई। न जाने यहाँ कैसे कैसे लोग आ गए कि जो बड़ा ही काम कर रहे हैं, किसी को मिलने की उनको फुर्सत ही नहीं, और जब उनको देखी है तो घोड़े पे सवार, लेकिन ये घोड़ा है कि क्या है पता नहीं, कि हर जगह डिस्ट्रॉय ही कर रहा है, हर जगह खत्म करा जा रहा है। ऐसे लोगों से ये विनती है कि थोड़ा नीचे उतरिए, थोड़ा रुक के देखिए, ये लोग पागल जैसे आप दौड़े जा रहे हैं ऐसे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर दूसरी चीज पैसों के पीछे, जो पैसों के पीछे लग गए तो किसी तरह से पैसे खसेड़ते हैं, किसी तरह से पैसे लेने हैं, इसी तरह से ही करना, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हार्ट अटैक आता है क्योंकि पैसे से कहीं अधिक परमात्मा है।
फिर दूसरी चीज सत्ता, सत्ता चाहिए, ये सत्ता चाहिए, वो सत्ता, इसकी टांग खींच, उसकी टांग खींच, उसके गर्दन उड़ा, उसको बुरा कर, उसके बाद इसी में लगे रहते। ये सत्ता के पीछे भागने वाले लोग भी शिकार हो जाते हैं और उनको भी हार्ट अटैक आता है। मैं तो देखती हूँ कि जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ जो कि बड़े बड़े अफसर थे, मेरे पति भी उनके साथ थे, अधिकतर हार्ट, क्योंकि सब सोचते थे हम बड़ा भारी कार्य करें। करिए, कार्य करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए भी रखिए और अपने हृदय में परमात्मा को बसाइए, तो बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो हार्ट अटैक इससे आता है। अगर मैं ये इलाज आपसे बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि माता जी कहते हैं कि आप हृदय में अगर परमात्मा को बसा लें तो हार्ट अटैक नहीं है। इसके लिए जो मंत्र है वो ये है कि श्री माता जी मैं आत्मा, ये इसका मंत्र है। किसी को भी हार्ट ट्रबल हो अगर वो इस मंत्र को कहे कि मैं आत्मा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ में 10 मिनट बैठ करके, ये नहीं कि फाइल जब लिख रहे हैं तब, वो तो खोपड़ी पे फाइल ये लोग चलते हैं, एरोप्लेन में फाइल ये चलते हैं, कोई जगह ही नहीं जहाँ फाइल लेने के चलते, और फाइलों से जो निकला हुआ धुआं है वही मैं देख रही हूँ सबको। सो अगर जिन लोगों को हार्ट की शिकायत है वो ये जान ले कि उनको इसी तरह से कहना चाहिए। हाँ, अंजाइना वगैरह जो चीजें हैं वो दूसरी तरह से आती हैं, जो लेफ्ट साइड के, लेफ्ट साइड से ही आती है आपको, जबकि लेफ्ट साइड के आपका विशुद्धि चक्र पकड़ता है। जिस वक्त आप हमेशा ये फील करते हैं कि मैं गिल्टी हूँ, मैंने खराबी की, मुझे नहीं करना चाहिए था, वही मैंने अंग्रेजी भाषा में कहा कि उठे बैठे सॉरी, फोन आएगा तो सॉरी, किसी से थप्पड़ लगेगी तो सॉरी, उसको मारेंगे तो सॉरी, किसी को मर्डर करेंगे तो सॉरी, इस तरह से सॉरी कहने से वो चीज जाती नहीं। मनुष्य को जो है ये सोचना चाहिए कि जो सत्य है, जो रियलिटी है, उसको हमें देखना है, उसे भागना नहीं। मनुष्य अपने अहंकार में किसी को दुख देता है और फिर कहता है सॉरी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखना चाहिए कि मैंने ऐसी बात कही क्यों, और ऐसे मेरे अंदर ऐसे विचार क्यों आए, और अगले वक्त से मैं ऐसे विचार नहीं करूंगा, ये बेहतर है बनिस्पत इसके कि एक बार सॉरी करके उसमें एक छाप लगा दिया, फिर बार बार वही काम करते रहे। और जब ऐसा लोग करते हैं तब आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि ये चक्र पकड़ जाता है।